दिल्ली चुनाव का रिजल्ट आने में बस कुछ ही घंटे बचे हैं। वैसे पता तो सबको है क्या होने वाला है। सारे एग्जिट पोल बता रहे हैं कि सरकार तो केजरीवाल की बनने वाली है। ये सच हुआ तो फिर प्रशांत किशोर यानी पीके का फार्मूला भी हिट हो जाएगा। वही फार्मूला जो एक बार बिहार में बीजेपी को धूल चटा चुका है। ये हिट फार्मूला है बीजेपी के हिंदुत्व वाले जाल में ना फंसने का। दिल्ली के चुनाव में बीजेपी ने जाल बिछाया, शाहीन बाग के बहाने हिंदुत्व का दाना पानी डाला, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं फंसे, नहीं उनकी पार्टी के नेता। बीजेपी का जाल बिछा रह गया। प्रशांत किशोर और अरविंद केजरीवाल की जोड़ी पहले ही इस खतरे को भांप चुकी थी। पीके की टीम ने दिल्ली में भी वही किया जो 5 साल पहले बिहार में कर चुके थे। तब बीजेपी के सामने लालू यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी थी। दोनों को हराने के लिए बीजेपी ने सारे घोड़े खोल दिए, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराने के लिए लाख जतन किए, चला कुछ नहीं। ये तक कह दिया गया कि अगर लालू और नीतीश जीते तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। याद है ना आपको गिरिराज सिंह का वो बयान। फिर भी जनता ने दोनों को जीत का आशीर्वाद दे दिया। बिहार में ये मैजिक हुआ प्रशांत किशोर के कारण। लालू यादव और नीतीश कुमार को उनका आइडिया पसंद आया, फिर सब ने उस पर काम किया। आरजेडी और जेडीयू के मुस्लिम चेहरों को प्रचार से हटा लिया गया। मुस्लिम नेताओं को मीडिया से दूर रहने को कहा गया। ये बताया गया कि आपको उकसाया जाएगा, लेकिन सब चुप रहेंगे, कोई मुस्लिम नेता बयान नहीं देगा। एक बार तो लालू ने अपने मंच से एक मुस्लिम सांसद को नीचे उतार दिया था। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का असली नेता तो मैं हूँ, आपके मंच पर रहने से हिंदू वोट कट सकते हैं। इसीलिए पूरे प्रचार के दौरान लालू और नीतीश के आसपास कोई मुस्लिम चेहरा नजर नहीं आया। बीजेपी ने महागठबंधन के नेताओं को हिंदुत्व के पिच पर लाने की कई कोशिशें की कई बार, लेकिन आरजेडी और जेडीयू के नेताओं ने उस पिच पर बैटिंग न करने की ठान रखी थी। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, बीजेपी ने सब किया, लेकिन लालू और नीतीश सामाजिक न्याय की माला जपते रहे। बिहार के लोगों ने छप्पड़ फाड़ कर आरजेडी और जेडीयू को वोट दिया, महागठबंधन की सरकार बन गई। 5 साल बाद दिल्ली में भी प्रशांत किशोर ने बिहार वाला वही फार्मूला लगाया, लेकिन इस बार वे पाला बदल चुके थे। अब वे अरविंद केजरीवाल के साथ थे, लेकिन फार्मूला उनका पुराना वाला ही था। तरीके भी वही और दांवपेच भी वही। चुनाव का ऐलान होते ही बीजेपी खुलकर हिंदुत्व के एजेंडे पर आ गई। राष्ट्रवाद बनाम अराजकता का नारा दिया गया। शाहीन बाग के बहाने बीजेपी हिंदू मुसलमान कराने लगी। 80% बनाम 20% की लड़ाई छेड़ दी गई। अमित शाह ने ईवीएम का बटन दबाकर शाहीन बाग के लोगों को करंट लगाने की अपील की, जहां करीब 2 महीने से लोग CAA के खिलाफ धरने पर हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, शाहीन बाग में तो देश को टुकड़े टुकड़े करने वाली सोच के लोग बैठते हैं। बीजेपी नेताओं ने हर तरकीब आजमाए। एक बार तो लगा कि केजरीवाल के लोग इस गेम में फंसने लगे हैं। डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने कह दिया था, हम शाहीन बाग के साथ हैं। इसके बाद अरविंद और प्रशांत किशोर ने रणनीति बदल ली। तय हुआ कि हम हिंदुत्व की काट हिंदुत्व से करेंगे। चुनाव प्रचार में बजरंगबली की एंट्री करा दी गई। केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़ने और गाने लगे। लाख उकसावे के बावजूद आम आदमी पार्टी का कोई नेता शाहीन बाग नहीं गया। जाने की बात तो छोड़िए जी, सब नाम लेने से भी बचते रहे। केजरीवाल हनुमान मंदिर जाने लगे। पार्टी के मुस्लिम नेताओं को प्रचार से दूर रखा गया। अमानतुल्लाह और शोएब इकबाल जैसे पार्टी नेताओं के मुंह पर टेप लगा दिया गया। बीजेपी शाहीन बाग चिल्लाती रही, केजरीवाल हनुमान भक्त बनकर घूमते रहे। उनकी पार्टी के लोग फ्री बिजली पानी का टेप बजाते रहे। महीने भर की बीजेपी की कोशिशें बेकार रहीं। केजरीवाल के लोग उनकी गेम में नहीं फंसे, ठीक बिहार की तरह। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।